मैथमेली की तैयारी वास्ते हुण 13वीं एक्टिविटी है, ध्यान नाल देखना है सारे ने। बहुत ही सिंपल, बहुत ही यूजफुल एक्टिविटी है। समिति रेखावां की गिनती अते घुम्मन समिति नूं पता करना। हुण देखो इत्थे मैं कुछ चार डायग्राम्स बनाए हुए ने। घुम्मन समिति दा क्रम लिखण लई चार थावां बनाईआं होईआं ने, तो समिति रेखावां की गिनती लिखण लई भी चार थावां बनिया हुई हैं। बहुत ही सौखे ढंग बनाइए, तुहाडे सामने एक चार्ट है सिंपल, उपर एक्टिविटी का नाम लिखा है, तो इधर नीचे एक आयत चिपकाया तो उपर एक आयत नूं घुम्मन स्थिति विच रखण लई एक आयत होर रख के एक पेन नाल उहनूं घुम्मन लई स्थिति दित्ती है। ठीक है ना, इस तरह ही असी वर्ग, इस तरह ही चक्कर, इस तरह ही संभुजी त्रिभुज। ठीक है बेटा, सब तो पहला बनाने का तरीका तुम्हें पता लग गया। इतने असी घुम्मन समिति के क्रम लिख लिया है, इतने समिति रेखावां की गिनती, इतने असी सैलो टेप लगाई हुई है ता जो असी कुछ लिखिए तो उन्होंने बाद विच रब किया जा सके। वीडियो जी असी बना रहे हैं ये बच्चों की वध तो वध पार्टिसिपेशन होवे, यही एक्टिविटीज़ तुम्हें मैं शो कर रहा। इस तो पहला 11 एक्टिविटीज़ की वीडियोज़ तुम पहला भी अपने चैनल पर अपलोड की हुई है, जरूर देख ली होएगी, नहीं देखी तो जाके चैनल तो फिर देख सकते हो। बहुत ही अट्रैक्टिव ते बहुत ही घट खर्चे विच बनने वाली एक्टिविटीज़ दिखाई गई हैं तुहानू। हुण देखो इहदे विच सानूं कितना पता लगता है कि घुम्मन समिति का क्रम की होएगा। हुण देखो इस एक्टिविटी दे विच बच्चे की पार्टिसिपेशन किवें होवेगी। बच्चे नूं देखो मैं इस रैक्टेंगल दे विच, इस आयत दे विच इत्थे रैड कलर दे डार्क नोट दिते हुए है। ठीक है ना, हुण बच्चे नूं मैं कहूँगा बेटा इस आयत नूं घुमा, वो बच्चा एक बार घुमाएगा, देखो ये एक बार घुमा लिया, वन टाइम घूम गया। हुण बच्चे नूं कहूँगा एक बार होर घुमा, लो जी बच्चे ने एक बार नूं फिर घुमा लिया। दूजी बारी घुमाण ते रैड वाला निशान वापस रैड वाले निशान नाल मैच कर गया। इहदा मतलब जदों असी एक आयत नूं दो बार रोटेट करते हाँ ये अपनी पुरानी पोजिशन ते वापस आ जाता है। इहदा मतलब घुम्मन समिति का क्रम की होया, दो होया। तो सानूं ये पता लग गया कि आयत का घुम्मन समिति का क्रम दो होंदा है। लग गई समझ कि घुम्मन समिति कहिंदे किहनूं है, घुम्मन समिति का क्रम किवें फाइंड आउट किया जाता है। इस तरह ही असी गल करते हैं आयत वल। हुण दूजे बच्चे नूं बुलाया जाएगा, उन्हूं कहा जाएगा बेटा ये आयत ये वर्ग है, आ रैड निशान ते रैड निशान उपर मिलाउणा आ, तो किन्नी वारी घुमाएगा कि रैड निशान वापस रैड निशान दे उत्ते आ जाए। बच्चा कहेगा ठीक है जी। बच्चे ने देखो पहला एक रोटेट किया, हो गया पूरा रोटेट, दूसरा रोटेट किया, दूसरा रोटेट भी हो गया, फिर तीजी वारी रोटेट किया, अजे भी रैड रैड मैच नहीं होया, फिर चौथी वारी रोटेट किया ते तुहाडा रैड ते रैड आपस विच मैच हो गया। इहदा मतलब वर्ग नूं चार वारी घुमाउण ते वो अपनी पुरानी पोजिशन ते वापस आउंदा आ। इहदा मतलब घुम्मन समिति दा क्रम वर्ग दा चार होएगा। तो इस तरह असी वर्ग दी वी घुम्मन समिति पता कीती है। हुण गल करदे आ चक्कर दी बेटा। जदों चक्कर नूं देखिआ ते चक्कर नूं जदों मर्जी घुमा लो, चक्कर जिद्दां मर्जी घुमाई जाओ वो हमेशा एक दूसरे दे उपर ही रहिंदा। देखो है ना उपर ही, चक्कर दियां घुम्मन समिति दे कर्म जिहड़े है वो अनंत हुंदे ने, अनेक। ठीक है जी। हुण गल करदे आं आपां समभुजी त्रिभुज दी। समभुजी त्रिभुज दे विच हुण बच्चे नूं कहा गया बेटा रोटेट कर, और देखो रोटेट कर रहा है, करते करते इस कॉर्नर नूं उस कॉर्नर नाल मिला लिया, एक रोटेट पूरी हो गई, फिर दूजा रोटेट, दूजी रोटेट भी पूरी हो गई, एंड दैन जो तीजी बारी उन्हें रोटेट किया फिर जाके उसका रैड अंक रैड नाल मैच कर गया। इहदा मतलब समभुजी त्रिभुज दी घुम्मन समिति दा क्रम तीन होएगा। तो इस तरह असीं बच्चे नूं बहुत ही सोहनी ते अट्रैक्टिव एक्टिविटी दे नाल घुम्मन समिति दे क्रम याद करवा दिते ने कि आयत दा घुम्मन समिति दा क्रम दो है, वर्ग दा चार है, सर्कल चक्कर दे अनंत ते त्रिभुज दे तीन ने। हुण देखो इसी एक्टिविटी दे विच एक होर एक्टिविटी ऐड की गई कि समिति रेखावां दी गिनती भी दसदी है। देखो किवें, देखो इधर मैं एक सेम साइज़ का
आयत रखा हुआ है, तो ये देख सकते हो इसको जो मैं ओपन कर रहा तो ये तुहाडा आयत है। देखो हुण इस समती रेखावां दी गिनती दा मतलब की हुंदा है, किनियां रेखावां खिचीए कि वो इस आयत नूं दो बराबर हिस्सों च वंडे। ध्यान नाल देखो एक आ रेखा खिची तो एक आ रेखा, दो रेखा खिचीआं गईआं। देखो आ वाली जिहड़ी रेखा है इसने आयत नूं दो बराबर हिस्सों च वंडिआ, ठीक है ना। तो इस जिहड़ी आ सीधी रेखा है इहने भी आयत नूं दो बराबर हिस्सों च वंडिआ है। इहदा मतलब आयत दे विच जे मैं आ लाइन खिच दिंदा तुसीं देख सकते हो कि आयत बराबर हिस्सा च नहीं वंडिया जाता, सिर्फ आयत की सिर्फ दो ही समती रेखावां होंदिया ने जो आयत नूं दो बराबर हिस्सों विच वंडदी है। इहदा मतलब बच्चे नूं पता लग गया कि आयत दे विच घुम्मन समती दा क्रम ते समती रेखावां दी गिनती दोनों ही दो होंदियां ने। तो इस तरह बच्चे ने क्वेश्चन भी कंप्लीट किया, दो क्वेश्चन बच्चे ने सीखे, एक घुम्मन समती दा क्रम ते एक स्पर्श समती रेखावां दी गिनती। इस तरह जो वर्ग दे कोल गए तो असी वर्ग दी हुण समती रेखावां दे लई वर्ग बनाया हुआ है, देख सकते हो। लेकिन इस वर्ग दे विच तुसीं देखो एक दो तीन ते चार, चार रेखावां ने जिहड़ी वर्ग नूं बराबर हिस्सों विच वंड रही। तुसीं देख सकते हो आ सीधी लाइन दे लई आ देखो वर्ग अद्धा अद्धा हो गया, बिल्कुल बराबर हिस्से विच वंडिया, इहने भी बराबर हिस्सों विच वंडिया। तो हुण देखो जिहड़े डायगनल्स विकर्ण भी वर्ग नूं बराबर हिस्सों विच वंड रहे ने, देखो तो दूजे वाला भी बराबर हिस्से से वंड रहा है। यदा मतलब वर्ग की समती रेखावां की गिनती चार होंदी है, तो वर्ग की घुम्मन समती का क्रम भी चार होंदा है। आई समझ। इस तरह आप चलते हैं चक्कर दे कोल। हुण चक्कर नूं देखो तुसी, मैं तो थोड़े लगाए हजे, ये तो बहुत ज़्यादा हो सकते सके। आ देखो चक्कर नूं जिथों मर्जी फोल्ड करी जाओ, चक्कर ने हमेशा अपने आप नूं अद्धा कर देना है। इहदा मतलब एक चक्कर दे उत्ते समती रेखावां दी गिनती भी अनंत हुंदी है। तो इस तरह सानूं चक्कर दे उत्ते घुम्मन समती दा क्रम भी अनंत ते समती रेखावां दी गिनती भी अनंत हो गई। हुण आंदा जी अगला तुहाडे कोल समभुजी त्रिभुज। हाँ देखो जी समभुजी त्रिभुज भी तुहानूं बना के दिखा दिंदे आ। ये रहा समभुजी त्रिभुज। हुण इहदे विच देखो आपां एक दो ते तीन लाइनां लगाई हुई हैं, इहदा मतलब समभुजी त्रिभुज दीआं समती रेखावां भी तीन होणगीआं। चैक कर सकदे आ, आ देखो एक रेखा ने इहनूं बिल्कुल हाफ करता, दूजी रेखा देखो वह भी इहनूं हाफ कर रही है, तो तीजी रेखा भी इहनूं हाफ कर रही है। इहदा मतलब एक त्रिभुज की समती रेखावां की गिनती किन्नी है, देखो तीन है, एक दो तीन। चक्कर की अनंत देख सकते हो, आयत दी सॉरी वर्ग दी चार, ते आयत दी दो। ते इस तरह देखो जी साढ़े कोल चार पूरी प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गई कि सानूं पता लग गया कि घुम्मन समती का क्रम की होंदा है, ते घुम्मन समती दी रेखावां दी गिनती किन्नी होंदी है। उम्मीद है तुहानूं ये एक्टिविटी बहुत वधिया तरीके नाल समझ आई होएगी। बहुत अट्रैक्टिव एक्टिविटी है, बहुत ही यूजफुल एक्टिविटी है। मेरे चैनल नूं सबसक्राइब जरूर करो, क्योंकि इस चैनल ते तुहाडे मैथ विषय के हर चैप्टर की हर एक्सरसाइज की वीडियोज़ ते वधिया तो वधिया एक्टिविटीज़ बना के भेजी गई है, अपलोड की गई है, तुहाडे वास्ते है बेटा वो सारा कुछ।